आइए हम चेक करते हैं कि बैलेंस कैसे देखते हैं, लॉजिक सॉफ्टवेयर में बैलेंस कैसे देखते हैं। सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने जिस मॉड्यूल में है, हम एक अपने अकाउंट के मॉड्यूल में चले गए। फिर वहाँ पे हम जा करके यहाँ आउटस्टैंडिंग पे चले गए, उसके बाद थ्रेड आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले एडवांस में देखा था, उसी तरह से हम बैलेंस भी चेक करते हैं। तारीख आज की रहेगी, लॉरी हायर डेट भी आज का रहेगा, और पार्टिकुलर में हम ट्रांसपोर्टर कर देंगे, और यहाँ हमको एडवांस चेक करना है। तो बैलेंस पे हम एडवांस चेक कर लिया, बैलेंस चेक करना तो बैलेंस कर लेंगे, और स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे जिसका रिसीव हो गया है उनका ही हम बैलेंस देंगे। तो हम यहाँ अपने रिसीव, जिनका पीओडी रिसीव हो गया है उन्हीं को हम बैलेंस देंगे, और किसी को तो बैलेंस देंगे नहीं, तो यहाँ रिसीव पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर शो पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा खुल के आ जाएगा किसका किसका हमारा बैलेंस बाकी है, जिसका पीओडी रिसीव हो गया है, बैलेंस अभी नहीं गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये इतनी लंबी सीट है, इन लोगों का भी बैलेंस नहीं दिया गया है, इन लोगों का बैलेंस अभी देना है। तो इस तरह से देख लेंगे, फिर हम चाहे तो इसको यहाँ से गो पे क्लिक कर देंगे तो ये सीट हमारे एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमको यहाँ से एक्सेल पे चले जाएंगे और अपने हिसाब से इसका नाम हटाना है, प्रिंट निकाल लेंगे, और इस तरह से हम बैलेंस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।